हाय गाइस, राम राम। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस बार का गणतंत्र दिवस थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि अभी अभी हमारे श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में संपन्न हुई है, तो भारत के लिए इस बार का गणतंत्र दिवस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। मैंने भी सोचा कि मैं भी कनाडा में कुछ सेलिब्रेट करूंगी, बट मैंने यहाँ पे आसपास थोड़ा सर्च किया कि यहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो मुझे एज सच आसपास तो कुछ नहीं समझ आया कि कहाँ है, बट ओटावा में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है, बट वो मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन अपने घर से ही शुरू करेंगे। तो मैंने घर पर कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश की है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या प्लान किया है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई कलर राइस बनाऊंगी, तो मैंने बस राइस को भिगो के रखा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने राइस का कुकर गैस पे चढ़ाया। फिर मैं सोच रही थी कि पहले मैं ऑरेंज कलर के राइस क्रिएट करूंगी, तो मैं उसके लिए, हम लोग मारवाड़ी में मीठे चावल बोलते हैं, तो मैंने वो करना शुरू किया। मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स को घी में अच्छे तरीके से ये कर लिया, तब तक मेरे चावल इधर बन चुके थे। फिर मैंने वो सब ऐड किया, उसके अंदर थोड़ा केसर वगैरह डाला। मुझे परफेक्ट ऑरेंज कलर चाहिए था, लेकिन मेरे पास फूड कलर था नहीं, तो वो नहीं आया। फिर रात की पालक पनीर बची पड़ी थी, तो फिर मैंने उससे ग्रीन कलर क्रिएट किया, और फिर फाइनली हम लोग डिश को अरेंज करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में चावल बने हैं। ये कौन से चावल है, कोई बता सकता है हमें? ये चावल बने हैं तिरंगा कलर के, हम बनाने जा रहे हैं तिरंगा चावल। हेलो फ्रेंड्स, मत बोलो, भाग जाएंगे सारे लोग। कितना बेकार बोलता क्या मैं? नहीं यार, बहुत अच्छा तो बोलता। मैं ना कल्पेश को हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि आप भी ब्लॉग में कुछ अपना इनपुट दो, बट कल्पेश को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। बट आज फाइनली कल्पेश ने थोड़ा बहुत मतलब कोशिश की है, तो आई अप्रिशिएट इट। हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारी डिश रेडी है। मुझे जैसा ऑरेंज कलर चाहिए था, उतना खास ऑरेंज कलर आया नहीं है क्योंकि मेरे पास फूड कलर नहीं था, बट वो कैमरा में दिख रहा है और मतलब somehow ऐसा लग रहा है कि तिरंगा जैसा मैंने कुछ क्रिएट किया है। और रात का पालक पनीर पड़ा था, तो मैंने उससे ग्रीन कलर क्रिएट किया है। तो वंस अगेन सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद जय हिंद।